आप फंसे हुए हैं, देखिए ना आप यूं बैठे हुए, ये फंसे हुए यार, आपको डबल कुर्सी दिए ना, मुझे सिंगल में फंसा है, खोल खोल के बैठे ना यार, मम्मी मजाक कर रहे थे वो वाला, ये आप ही कर रहे हैं मजाक। अच्छा बताएं बताएं, फीमेल फैन आपको, आपको क्या लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, फीमेल फैन है मेरे, एक पड़ोसी है बहुत अच्छे हैं, मैं कोई ऐसी बात, मैं उनका नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन ऐसे एक ह्यूमर प्रमोशन कैसे हैं, मैंने कैसे हम कहते हैं बेगम जिंदा है। अगर इंडस्ट्री में ना होते और सामने कमरुल रहमान साहब और मारवी शर्मा आ रही होती तो एज अ कॉमन मैन किसकी साइड लेते हैं? हलीम साहब, हलीम साहब की साइड, आई डोंट लाइक हिम, सॉरी यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आगे जाके कहीं नहीं बताया, आप आज TPH3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम पे बैठे हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, अगवा बराए तवान, इन चीजों में मुलव्विस रहे, हमने उनको आज TPH3 में बुलाया ताकि पूछ सकेंगे इस धंधे में कमाई कितनी है। आपकी भरपूर तालियों में फिरोज खान। हाय फिरोज, हैव अ सीट। हम पहले ना जो गेस्ट आता है उसको गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि टॉप 4 गूगल सर्च में प्रेडिक्टेबल वो क्या आ रहे हैं। फिरोज खान लिखा है सिर्फ, फिरोज खान हाइट, लोग आपकी लंबाई जानना चाहते हैं। फिरोज खान, फिर किसी ने लिखा है फिरोज खान हाइट इन फीट, तो मिलीमीटर से स्टार्ट होता है बात, आगे बढ़ते 5'11" फिरोज खान एज भी पूछा है किसी ने, 30 6 साल छोटे फिरोज लगता भी हूँ। सरप्राइज इस तरह हुए कि आपको लगा कि मैं आपसे 6 साल छोटा हूँ, मुझे नहीं लगा, नहीं लगा। आगे फिरोज खान ड्रामा, फिरोज खान सिस्टर्स, फिरोज खान सन, ये जनरल सवाल है, कोई हॉट पिक्स का नहीं है, वरना यूजुअली गूगल करो तो फिरोज खान हॉट पिक्स वगैरह जरूर लिखा आता है। फिर इसी से स्टार्ट करेंगे कि शेख साहब कौन है और आज शो में आने से पहले उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने आज शो पे आने से पहले कुछ नहीं कहा, बट ओवरऑल मुझे उनकी कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादातर उनकी बातें, उनकी नसीहत याद रखूँ। अच्छा, पहले उन्होंने ही मना किया टीवी पे काम नहीं करना या आपने खुद डिसाइड कर? नहीं, उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं, कभी भी नहीं मना किया, आपने कहा यार मैं नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा? ये बस खुद ही एक दिन आई वोक अप और मैंने ये देखा, वो व्हाट्स दिस वुमन्स नेम, खलील रहमान साहब ने जिनको, मारवी शर्मा, मारवी शर्मा, तो उनका स्टेटमेंट आया और वो इतना एक वियर्ड स्टेटमेंट था उस दिन, और मेरे लिए वो पढ़ना, एंड आई वाज थिंकिंग इफ आई हैव टू पिक अ साइड कि मैं किधर खड़ा होना चाहता हूँ, तो आई वाज लाइक आई वुड रादर लीव द इंडस्ट्री। सो देन लेटर आई रियलाइज्ड कि मुझे जब समझाया मेरे बड़े बुजुर्गों ने कि जी देखें आपको उधर होते हुए और जो आपको समझ आता है वो आप अपना पॉइंट को थ्रू करें, सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट नाउ एंड आई लुक एट इट। अगर इंडस्ट्री में ना होते और सामने कमरुल रहमान साहब और मारवी शर्मा आ रही होती एज अ कॉमन मैन किसकी साइड लेते हैं? हलील साहब, हलील साहब की साइड, आई डोंट लाइक हिम, सॉरी। बासित देखो, बासित पहला पहली लूज बॉल, दैट्स नॉट ट्रू। खलील साहब एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह, आई गो एंड सी हिम एट हिज प्लेस शो में, वापस लाहौर, नहीं शो में, आई गो एंड सी हिम एट हिज प्लेस इन लाहौर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो बहुत प्यार करने वाले इंसान है, मेरे और उनके बीच में डिफरेंसेस थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इनफैक्ट अब आप एक हैं, वी सॉर्टेड इट एंड ही इज अ ग्रेट मैन एंड ही लव्स मी अ लॉट एंड आई लव हिम बैक एज वेल, ही इज अ ग्रेट गाय। मूविंग ऑन, सो आई थिंक खलील रहमान, उनकी साइड लेते हैं आप, ये बहुत खतरनाक साइड ले लिया यार। नहीं, मोस्ट साइड, अगर आप इंटरनेट पोल्स उठा के देख लें, पूरा पाकिस्तान, पूरे सब, एवरीवन्स ऑन हिज साइड, तो आप बिकॉज़ हाउ यू कंडक्ट समथिंग ना, आप कोई भी बात करें आपको बात करने की एक तमीज और तहजीब होनी चाहिए, उनको थी, देखें तो मैं देखता कौन है, आप मुझे इज्जत देंगे मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे मोहब्बत देंगे मैं आपको। फिरोज भाई कैसे हैं? फिरोज भाई गुड तालुक भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं फिरोज भाई। फिरोज भाई अगला सवाल पूछ लूं आपसे, फिरोज भाई ये है कि पाकिस्तान में ना टॉप एक्टर बनने के लिए पहले विजय बनना पड़ता है, ये क्या साइंस है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? माहिरा खान बड़ी एक्टर, विजय से स्टार्ट किया, और ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। कौन सी? आप, थैंक यू, और सनम जंग, अच्छा, और अगर दोबारा चांस मिले करियर स्टार्ट करने का तो क्या करियर स्टार्ट करना चाहिए? यही करियर दोबारा स्टार्ट करेंगे या यू विल ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स? अगर दोबारा स्टार्ट करने को मिलेगा आई वुड स्टिल डाइव इनटू इट अगेन, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई कैन टेक एनी क्रेडिट्स फॉर वेयर आई एम टुडे और व्हाट आई हैव अचीव्ड।
I've been given, I've been taken, I've been brought. So I would give the decision again. And so I would you just, have already given in. यही करने आया हूँ. पैदा इसीलिए किया गया है. नहीं, whatever. From here, wherever. अभी okay. Exactly. चाहिए. Yeah. ठीक है. फिरोज, bad boy का एक image screen पर आपका establish हो रहा है. ऐसे characters मिले आपको कि यार थोड़ा bad boy मिले. तो real life में बिल्कुल opposite हैं या थोड़ा semi bad boy हैं या बिल्कुल ही bad boy हैं? हमारे हम सब की dark sides हैं और होती हैं. इस बात को हमें सीरियसली डाइजेस्ट करना और एक्सेप्ट और एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो गुड एंड बैड इज विद इन अस एंड या आई एम गुड एंड बैड बोथ. फिरोज, बहुत मैं कहता हूँ समीना भाभी, समीना बाजी को भी बुला लेते हैं शो में. समीना पीरज़ादा को क्यों? वो वैसा इंटरव्यू हो रहा है आज. हाँ, है ना? इसको नहीं, एंजॉय नहीं कर रहे ना यार. तो करे ना, कर दो ना. अच्छा, आए ना. आप फंसे हुए कहीं पे? मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ. आप फंसे हुए हैं, देखिए ना. आप यूं बैठे हुए फंसे हुए यार. आपको डबल कुर्सी दिए ना, मुझे सिंगल में फंसा. खोल खोल के बैठे ना. फिरोज, इंडस्ट्री फड्डे हुए कभी? किससे हुआ सबसे अच्छा फड्डा और मतलब कौन है अच्छा फड्डेबाज? मुझे यहाँ पे डर्टी गेम करने नहीं आया कि लोगों के बारे में बातें करूं. नाम मत ले, उनके नाम लो. लेकिन हाँ, फड्डे बहुत हुए. फड्डे बहुत हुए. फड्डे इसलिए हुए क्योंकि जब मैंने आई थिंक आई वाज यंग. आई एम स्टिल यंग, अल्हम्दुलिल्लाह. यंगर? या आई वाज यंगर. आई वाज रियली शॉर्ट टेम्पर्ड और मोस्टली ऐसा होता था कि मैं किसी से बात कर रहा होता था तो वो अगर नहीं समझ आती थी तो वो फड्डे तक चली जाती थी, विच इज नॉट गुड. आई डोंट टेक प्राइड इन इट. आई एम नॉट बोस्टफुल अबाउट इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपका एंगर जो होता है वो आपको जिंदगी का जो रियल फन है वो उससे कासिर रखता है. कासिर इज द राइट दूर रखता है. कासिर दूर रखता है. अच्छा, मारम पीटी वाले की तू निकल बाहर, तुझे देखता हूँ लड़के लड़ा लिए, ऐसा कुछ किया जैसे बातें? नहीं, मेरी अभी आंख ठीक हुई है, वो ब्लू हुई थी. उसको बोलते हैं शाइनी आए. शाइनी आए तो किसने, कौन है वो बॉक्सर? वो रिंग में हम लोग आजकल स्पारिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बॉक्सिंग को एक करियर के तौर पे इंशाल्लाह ताला. फिरोज यार कुछ पता नहीं भाई आपका, लूज टेम्पर भी है और खलील रहमान कमर से भी दोस्ती. Are you like real life Romeo हैं क्योंकि आपके relationships या इस तरह के चक्कर चुकर जो होते हैं हमारे लड़कों के, लौंडे लपाड़ों के, हम जैसे, तो वो मशहूर होते हैं. आपके भी काफी दो तीन निकले, तो आप real life Romeo हैं या real life आप ना ऐसा है कि अब फिरोज ये ना कहिएगा नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल कभी लड़की देखी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना यार? यार देखो, मैं झूठ बोलने से बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि बोलूं कि ना बोलूं. उसकी वजह ये है कि सच्चा रहना चाहिए, उससे इंसान में आजी आती है, ताकि थोड़ा सा एडमिट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. मैं आपको अपना शेख बना लूंगा आज से यार, प्लीज यार, इस बारे में हम बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे. तू शेख नहीं बना सकता? I'm sensitive about it. आपको नहीं बना सकता? नहीं, मैं सही इस चीज के बारे में मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता. चलें ये, और मैं ये बोलना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं कि यू नो कि ये भी शेख ने बोला, वो भी शेख ने बोला, दिस इज नॉट अ जोक फॉर एनी वन एंड दिस इज माई पर्सनल थिंग. आई थिंक इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी टू share it something so personal with you know on such a platform because you don't direct somebody like that. I respect that person. ठीक है, ठीक है, सही है. This is sensitive. Okay, and personal to you. ठीक है, yes, very personal. That's fine. But Tabish, you have to be easy. I love you. Thank you. Yeah. I don't want you to feel like you know. मैं नहीं intimidating. Yeah, just yeah. अच्छी बात है यार, हम भी तो करते हैं सबके साथ. Exactly. Okay. Relax. Yeah. Please. ये मजाक कर रहे थे वो वाला, या आप ही कर रहे मजाक? फीमेल फैन है आपको? आपको क्या लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? फीमेल फैन है. हाँ जी, हो गए एंडोर्समेंट आ गई. अब फीमेल फैन ने कभी कोई ऐसी हरकत की? अनुला भाई क्या कर रही हो भाई? हाँ, वो क्या? अब वो भी नहीं, वो तो बता सकते हो. बड़ी सारी हरकतें हुई हैं, आपको क्या बताऊं? कुछ ऐसी एक किस्सा कोई ऐसी बता दें जो बता सके. अच्छा, खुल सके यहां पे, मामला आ सके. अच्छा, तो आई वाज वीजिंग दिस वन टाइम, आई वाज डूइंग अ शो, काफी रात हो रही थी, हमारी वॉक थी. मैं वॉक करते हुए टॉयलेट तक रीच आउट कर रहा था, मेरे साथ मेरी टीम थी. बाथरूम तक मैं जब पहुंचा तो मैंने बोला क्या, हाँ मेरे साथ थी, मैंने बोला कि आप लोग जाओ, I'll just come back. वो खुद नहीं समझ रहे थे कि मैं जाना है, बाबा आ गया कि सफर अकेले करेंगे. नहीं नहीं नहीं, I told them to go back on the sets. ठीक है, I'll come back. ठीक है. तो वो चले गए. अच्छा, I got done, I came outside, I was going back to the sets.
तो मुझे पीछे से एक स्टेप्स की आवाज टक टिक 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 एंड आई एम लाइक अच्छा ओके अमिताभ बच्चन। अच्छा जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो लड़की है जो काफी अरसे से मैं जहां भी सेट पे जाता हूँ तो वहां पे बस एक साइड पे एक फेस अपेयर होता है और वो देख रहा है। वाह ये काफी वियर्ड है। या सो आई स्टॉप्ड एंड आई वाज लाइक यस एंड शी वाज लाइक आई वांट योर नंबर। ओह वाओ नहीं पड़ा होगा। आई वाज लाइक आई डोंट हैव अ नंबर। आई वाज लाइक आई डोंट यूज माय फोन। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अप अ स्टोरी। सही है। And she was grabbing by the collar. And quite a moment. I was like, yaar, matlab, what the hell? Moment matlab, number, nahi, moment nahi ho raha. Achha, number, number ke liye itni aggressive ek insaan. Number. Usne bola ki, yaar, just give me your number. 1-5 de dete usse. Police. Maine diya usko number. Kyunki situation aisi ho chuki thi. Mahol tha. Lekin number maine diya apne phuppa ka. To ab phuppo kaisi hai? Sir, main yehi aapko bata raha hoon. Unhone mujhe ek dafa to phone kiya to wo kehte hain ki ढूंढ रहे थे आपको पूछ रहे थे तो मैंने बोला अच्छा मैंने बोला हाँ वो आई गॉट स्टक तो मुझे किसी का नंबर देना पड़ा तो मैंने आपका नंबर ले लिया। लेकिन 3 दिन बाद फोन आया कहते हैं इस मसले को हैंडल करो वरना मैं हैंडल कर जाऊंगा वरना And she's not stopping. अच्छा फुप्पा को भी नहीं छोड़ ली। हाँ हाँ कुछ तो make make me talk to him and you know but it's a love यार I mean I really respect all the love and everything but obviously ये थोड़ा ज़्यादा था obsession becomes scary as well ठीक है लड़कों की बातें कर yeah लड़कों वाली बातें कर लड़कों की बातें नहीं करते अजीब सा लगे ऑफ रोड ड्राइविंग का शौक है I love it है ना अभी आप को ड्राइवर भी इस जो रैली हुई है I was झलमक सिंह जो रैली yes सुल्तान बहादुर अजीज सिंह second he's my he's the driver I'm navigating yes yes तो ये कहाँ से शौक पैदा हो गया ऑफ रोडिंग का कराची में ड्राइविंग करके I was always into rush and speed and talk and everything तो वो एक्सुबरेंस है आपके अंदर yeah but obviously spending more time with पीसा तो वो उनका बहुत इंटरेस्ट है yeah he runs in air prepared he's a champion oh great yeah and he is what a driver What a driver! Like you're going 170, you're flying on a desert. Yeah, yeah you're flying on a desert. Yeah, मुझे पीछे बैठा के डाले पे मैं बैठाऊँ। बल्कि मुझे डाले पे बैठने तो बंदूक लेके बैठना पड़ेगा। डाले का एक कैरेक्टर होता है ना? We'll go. अच्छा डाले पे जो लड़के लोग बैठते हैं गार्ड वो हमेशा वो बोर्ड होते हैं बोर्ड एस क्यों बैठा रहता है उसकी कोई लाइफ ही नहीं बैठा हुआ अच्छा कुछ लोग तो ड्राइवर का नाम भी नहीं लेते उसको ड्राइवर ही कहते हैं Where's my G? Where's my G? G G कौन है? क्या यार? मतलब what? यार मैं रहता हूँ connected connected. मगर Telenor 4G और to be honest भी होने वाले हैं आप connect. क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज़्यादा entertainment. इसलिए. अच्छा जब मेरी पहली बेगम ने पहली बार कहा पहली बेगम कह रहा था. इकलौती बेगम ने पहली बार कहा Where's the M? तो मैं समझा नहीं. M? कौन सी बेगम? मासी मासी. पहली. मैं पहली नहीं. Only बेगम ने. मुझे वैसे ये मुझे इस तरह की जोक्स पता नहीं क्या समझ नहीं आते समझ नहीं आते थोड़े दिन पहले मैं घर से बाहर निकला और मैं नाम नहीं लूंगा वो मेरे एक पड़ोसी हैं बहुत अच्छे हैं मैं कोई ऐसी बात मैं उनका नाम नहीं ले रहा मैं लेकिन ऐसे एक ह्यूमर प्रमोशन कैसे हैं मैंने कैसे आप कहते हैं बेगम जिंदा है और वो इतने सीरियस थे और मुझे 2 सेकंड बाद लगी और जोर जोर से हंसा आई वाज लाइक कमाल यार अच्छा यू नो हाउ क्वेश्चन लिखा इसलिए पूछ रहा हूँ You know how to be in the news. एक rumor फैली कि यार आपकी separation हो गई है। किसने फैलाई होगी? यार ये जो मेरा ये जो एक बात है ना ये But you are always in the news. देखो जो अगर कोई इंसान legacy के को plan कर रहा होता है कोई 5 साल का करियर सोच रहा होता है कोई 50 साल का सोच सकता है आप अल्लाह से क्या मांग रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बट ये सस्ती शोहरत तो कोई नहीं करेगा ना कि यार मेरा बच्चा कल बड़ा हो देखे यार अच्छा जी अबू अब्बा आपने ये न्यूज चलवाई थी और मैं बोलूं जी बेटा अच्छा बच्चे को बच्चा नहीं पूछे शायद बच्चे से दोस्त पूछेंगे अबे तेरे अब्बू की तो न्यूज देख फिट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फिट तो कोई इरादा बनाया हुआ यार आगे चल के ना जरा ये वाली चीज सेट कराऊंगा एक दफा करा लिया था यार और मैं परेशान हो गया क्या कराया था मैंने क्या करूं क्या सेटिंग कराई यार हुआ ये कि मुझे बताया मेरे प्रोड्यूसर ने कहता है कि यार आपको ना पूल में जंप करनी है मैंने बोला ओके तो कहता है यार कि आप हम लोग अंडर वाटर शूट करेंगे मैंने बोला ठीक है
मैंने बोला व्हाट एम आई वेयरिंग, कहते हैं आप बता लो, नहीं नहीं कहते आप बताओ क्या पहनना चाहते हो, मैंने बोला यार आई कैन वेयर ट्रंक्स शॉर्ट्स पहन लूंगा, बताओ क्या पहनना है कोई, आप बोलो तो दो, तो करना क्या दो आप मेरे को, हाँ सस्ता लगा देंगे कहते हैं, मैंने बोला करना क्या है, तो उन्होंने बोला फिर आखिर में वो खैर वो डिसाइड हुआ कि उन्होंने मुझे पूरे वाइट कलर के कपड़े शलवार के स्विमिंग के लिए इस तरह की शर्ट और एक वाइट इसके साथ ट्राउजर्स मुझे उन्होंने पानी क्या ये तो रिश्ता अक्सर हीरोइन यार सुनो तो ना प्लीज हुआ क्या एक घंटा हो गया मुझे उसके बाद जब वो हो गया अब मैंने सोचा कि इसके लिए तो यार मेरा बिल्कुल क्या कहते हैं जिस्म ठीक नहीं है ठीक होना चाहिए अच्छा जी वर्कआउट किया वर्कआउट करके जब वर्कआउट हो गया बॉडी बन गई फेस को मैंने देखा बिल्कुल ड्रॉप हो गया ऐसे अंदर चला गया कल्ले मिल गए आपस में आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं कॉल्ड अप अ डॉक्टर उनके पास गया बहुत अच्छे हैं वो भी बड़े उनकी ऑनेस्टी को वाह वाह और वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर खिलजी ही इज लाइक मैं तो नहीं कर रहा मैंने बोला प्लीज आप मेरे लिए कर दें मेरा कल्ले खोल दें कहते हैं मैं नहीं कर सकता कहते हैं आपको जरूरत नहीं है आप मेरी बात समझे मैंने बोला आप प्लीज कर दें मैंने बोला ओके तो यहाँ पे मैंने फिलर्स लगवाए जब मैंने वो फिलर्स लगवाए ना और मैंने अपने आप को देखा आई वाज लाइक अब मैं इसको डिसॉल्व कैसे करूं खिलजी के पास हुआ था बिकॉज मैं अपनी पिक्चर लूं तो वो यहाँ पे ऐसे करके ना उठा आई एम लाइक डैम दिस इज नॉट मी आई नीड टू गेट ऑफ दिस अरे फिलर कल्ले भूल गए तो स्विमिंग में आसानी हो गई मोटा था यार ये इसको मतलब जिंदगी में क्या बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं थी उसमें वो लड़का क्लोजर नहीं मिला लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया वो लड़का चलो ठीक है पतला तो हो सकता है अंगूठे चार पांच छह कैसे हो गया ये कैसे हो रहा है पता है यार तो ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया और ये भी हो गया कि फिरोज यार कभी शरारती थे ये नहीं थे हमेशा से ऐसी अच्छी अच्छी तो कोई क्रेजी चीज की बहुत क्रेजी एक चीज हो जाए कोई ऐसा दिलचस्प मसाला मैं मुझे क्या पता क्या क्रेजी पूछो ना बताता हूँ अच्छा स्कूल में कोई मैं क्या पूछू मुझे क्या पता कितना क्रेजी सोच के आए आप बहुत क्रेजी किया तो वो वाला बताएं सबसे ब्रॉड क्या बताऊं मुझे उस दिन किया था यार मुझे बताओ ना किधर जाना चाहते हो किधर लेके जाऊं मैं सीधा रास्ते पे जा रहा हूं मेरे को आप ये जौहर पे उतार देना मुझे मैं नीपा से चला जाऊं खुद सतपुड़ा की बस ले लेकिन नहीं लेकिन हां ताबिश मतलब मैं भी इधर ही बड़ा हुआ हूं और सब सब अच्छा ब्रिज के उस पार या ब्रिज के इस पार ब्रिज के उस पार जौहर में ना गुलशन एक बार गुलशन बाल जौहर हम ब्लॉक ब्लॉक थ्री में हुआ जौहर नहीं जौहर जौहर है गुलशन है ये मसला है ना बिल्कुल है या नहीं है है या नहीं है 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 भाई यार लेकिन ऐसा है कि तब भी ऐसा है कि गुलशन और जौहर में काफी भाईचारा है भाईचारा है दोस्ती हो गई है अब हम लोग मिल बांट के रहते हैं हम लोग कलेक्टिव दुश्मन है डीएचए ऐसा है नहीं ये सब है जौहर वाले मानेगा कोई नहीं क्यों नहीं मानेगा मानो नहीं कूल लोग हैं नहीं भी है क्या क्या पता नहीं फ्यूचर में फ्यूचर बैठा हुआ है यहाँ पे पता नहीं कौन कौन बैठा हमारा इंटरव्यू कर रहा है थोड़े दिन बाद हम बैठे हुए जी चांस मिल जाएगा और क्या फिर उस फिट कैसे रहते करीब आते जा रहे थोड़ी देर में हम साथ ही बैठे होंगे फिट कैसे रहते ट्रेनिंग करके कभी आए ना आप मुझे भी लगा आप करीब आप ही खुशबू भी लगा रहे हो ट्रेनिंग भी करते माहौल बनता जा रहा है अब शो शुरू हुआ है भाई छह नंबर बासित अब करीब आ गए तीसरे साल पूछूंगा मैं अब मैं आ रहा हूँ अपने माहौल में सुबह उठे आप अचानक से देखा कि आप लड़की बन चुके माहौल क्रिएट करता हूँ सो रहे हैं आप सुबह उठे आप लड़की हैं ऑपरेस्ड हैं मजलूम हैं और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा क्या करेंगे रिलैक्स मैं उठ के दिखाऊंगा मैं उठ के दिखाता हूँ ना हाँ प्लीज फ्लोर अच्छा नहीं उठ रहे हो मैं उठ नहीं रहा सॉरी मैं सो रहा हूँ आप सोते हुए लड़के दिखा नहीं सकते नहीं नहीं सोते हुए क्यों नहीं दिखा सकते आप दिखा सकते आप दिखा सकते मैंने एक्ट करना ना हाँ सर सो गया उठा आप लड़की हैं लड़की हूँ ऑपरेस्ट मेरी कोई बात नहीं सुन रहा हाँ भाई मैं रिलैक्स करूंगा तुमको सुन ही नहीं रहा फायदा क्या कुछ कहना नहीं नहीं फिर इतनी देर से उठ गए ब्रश नहीं किया अभी तक ब्रश कर लो फिर सबर से कर दे बासित इस पे एक चीज ही जुमला बोलूंगा फिरोज और मैं एक साथ सोए सिंगल बेड ऐसा है कि ऐसा है कि कभी किसी को देख रहे हो आप यूं करके ऐसा होता है ना कभी कोई अच्छा चेहरा सामने तुम कर गया तो आप यूं चले गए पहली नजर तो डाल सकते हैं डाल दी तो अपना ऐसा हुआ कभी कि किसी ने पकड़ लिया हो क्या देख रहे हो ये किस किस्म
मैंने बोला ये किसके सिम का सवाल है? जिसके सिम का जवाब दिया उसके सिम का सवाल पूछा मैंने? नहीं मैंने पूछा, मैंने बोला ये किसके सिम का सवाल है? मुझे पूछा ये क्या देख रहे हो? मैंने बोला ये किसके सिम का सवाल है? अच्छा ये किसके सिम का सवाल है? ये देख रहा हूं तुम्हें नहीं पता क्या हो गया यार आंख को? क्या मतलब आंख चली गई? आपका कौन संभाल रखा है इसको आज तक? अच्छा ऐसा कोई सोशल मीडिया पे गलती से पोस्ट कर दी और फिर रिग्रेट, अबे यार ये क्या कर दिया मैंने उस पर, जब तक 15,000-20,000 लाइक आ गए, ऐसा हुआ है कभी? फिर डिलीट की बहुत दफा। ऐसी क्या लास्ट क्या चीज थी? हो जाता है गलती से पोस्ट हो गया और वो अब नया वो है कि वो जब तक वो पूरा पोस्ट ना हो तब तक आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ 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 देखते रहो यार बहुत स्केरी है। अच्छा कभी भी ना रात के 1:30-2 बजे कोई पोस्ट नहीं मारना भाई, प्लेन मोड पे यूज करो, प्लेन मोड। केमिकल खराब हो चुके होते हैं, प्लेन मोड कुछ भी नहीं। आप वो हो रहे होते हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे होते हैं, सब कुछ मिक्स हो रहा होता है और हैंग ओवर भी हो रहा है जी। नहीं कोट मेरा हैंग ओवर उधर देर ओवर देर होता है? हाँ होता है भाई कभी। आप अभी उतरा हूँ तो मुझ पे हैंगओवर हो रहा है ना मुझे शोहरत का। अच्छा अच्छा किसी को डिच किया कभी? ठीक है किया, ओके। आप कभी डंप हुए? ठीक है हुए डंप हुए सर को ही होता है यार, हम लोग क्या शुरू से थोड़ी खूबसूरत होते हैं लड़के, तो किस उम्र? खूबसूरती की बात नहीं है बस हुए हैं। कब हुए? इंटर में या कॉलेज के जमाने में या उससे पहले स्कूल में काफी? और रिसेंटली तो कभी नहीं हुए ना, 2-4-5-10 साल पहले टीवी में आने के बाद डंप नहीं हुए कभी? सही है ठीक है हुए बताएंगे नहीं तो मैं अज्यूम करना चाह रहा हूँ सवाल। नहीं आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो है, आप चुप करें। फिरोज करियर में आगे जाने के लिए कहां तक जाएंगे? कहां तक यार अब प्लान्स जो हैं वो बहुत ही कोई गंदे नहीं, बड़े कोई सॉलिड प्लान्स हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं, पत्थर उठा के जाएंगे नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता। आई वांट टू डू देम नाउ। मार्स पे मूवी बनाएंगे यार, मैं कुछ मतलब कुछ ऐसे प्लान्स हैं लेकिन हिंट्स कुछ हिंट्स प्लान्स हैं। सुपर टेरेस्ट्रियल क्या होगा? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों की मूवी है, क्या होगा? कुछ तो हिंट्स देनी पड़ेंगी भाई फिरोज। काम से मतलब? हाँ कि मतलब आगे जाने। अच्छा काम के सिलसिले में तो I'm reading this one script, one of my most favorite characters that I'm about to do. I want film the production. Film है या drama? It's a drama. I want the production to talk about it. लेकिन फिल्म और ड्रामे के बारे में फिर एक बहुत बड़ा डिस्कशन है। ये आपने सवाल पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होना चाहिए कॉन्टेंट, वो बेशक यूट्यूब हो ठीक है, बना के कोई डाल दे जिस तरह आपका शो ट्रेंड कर रहा है yes, तो वो कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ ड्रामा है टीवी करता है भाई मैटर, टीवी का है और काम नहीं, कॉन्टेंट मैटर करता है, अच्छा होना चाहिए टीवी का है। एंड इट्स सुपर्ब, इट्स माय, इट्स गोना बी इंशाल्लाह क्रेजी। फिरोज आप टीबीएच में आए, टीबीएच में आज एक डिफरेंट माहौल बना। थैंक यू। और ये आज मेरे ख्याल से एक एपिसोड ऐसी जाएगी जिससे पता चलेगा कि यार यहाँ पे सिर्फ वो ही नहीं होता जो होता चला आया है। अच्छा ये हर गेस्ट के साथ टीबीएच मोल्ड होता रहता है, यानी हर इंसान की एक वाइब होती है यार, वो आता है फ्लोर के ऊपर अपना अपना। वी वर वाइबिंग, वी वर हैविंग अ डिस्कशन, वी वेंट, वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग, मजा आया फिरोज के साथ। फिरोज बहुत गुस्से में भी आए और कुछ भी हुए, और फिरोज मैं गुस्से में नहीं आया। तो फिरोज कोई आखिरी जुमले, मैं जा रहा हूँ ख्याल रखना ऐसा कुछ कहकर। Take only as much as you want. The rest is just a burden. Wow. Ladies and gentlemen, Feroz Khan. Yeah, मैं रहता हूँ connected. मगर Telenor 4G और 2B Honest भी होने वाले हैं आप connect. क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज़्यादा entertainment. इसलिए.